हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML। HTML क्या है, इसका स्टार्टिंग हमने पढ़ लिया पहले ही, बट HTML के ऑप्शनल आज मैं सॉल्व करूँगी। ऑप्शनल कौन सा, जो हमारे एस्केप कौन सा होते हैं उसको मैं सॉल्व करूँगी। आप लोग इसमें सॉल्व भी करूँगी, साथ साथ में इसकी कोडिंग भी करती जाऊँगी, बताती जाऊँगी कैसा है। क्योंकि अगर हम HTML टैग का वीडियो बनाते हैं तो वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबी हो रहा था वीडियो, तो हमारे पास बहुत इतना टाइम नहीं ना अब कि हम बैठ के एक एक वीडियो देखें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक MySQL कौन सा भी सॉल्व कराते जाऊँ और साथ में उसकी कोडिंग का भी, मतलब कोडिंग भी करते जाऊँ, टैग का यूज़ भी करते जाऊँ। तो के तुम्हारा पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर टैग। हमारा पेयर टैग क्या नहीं होता है, हमारा जो पेयर टैग होता है वो क्या नहीं होता है, इमेज। अब पेयर टैग क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा ऑप्शनल नंबर सही रहेगा डी, हमारे पेयर टैग नहीं है, इमेज नहीं है हमारा पेयर टैग। जैसे मैं कट करती हूँ, हमारा ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पेयर टैग होता है बी क्लोज होता है, यू मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन का बी टैग यू क्लोज होता है, इटैलिक का भी टैग क्लोज होता है, स्टार्टिंग तो क्लोज होता है बट इमेज का कोई टैग स्टार्टिंग और क्लोज नहीं होता। सपोज दैट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या एक HTML का फॉर्मेट बनाया, HTML को क्लोज किया, उसके बाद मैंने क्या हेड क्यों लिखते हैं टाइटल के लिए, बट मुझे टाइटल नहीं देना, मैं बस बॉडी दे दी। फिर मैंने एक बॉडी क्लोज किया ओके। अब मैं यहाँ पे क्या मैं दे रही थी इमेज, इमेज के लिए हम इमेज का स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन क्लोज टैग नहीं होता, IMG मैंने दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या दूंगी, SRC इक्वल, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे इमेज टैग होते हैं, इसमें हमारे स्टार्टिंग टैग या क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। ये हमारे हो गए फॉर्मेट। यहाँ मैं पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी, ऐसे करूंगी बस। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, IMG इमेज टैग। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंटरेस्टिंग अ लाइन ब्रेक, इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। हमारा जो HTML का टैग होता है लाइन ब्रेक टैग कौन सा होता है HTML में, तो हम देखते हैं लाइन ब्रेक टैग BR LB ब्रेक न्यू लाइन। हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, BR टैग हमारा जो होता है वो लाइन ब्रेक टैग होता है, ठीक है। BR टैग हमारा लाइन ब्रेक टैग होता है। अब लाइन ब्रेक टैग कैसे होता है इसकी भी कोडिंग मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा एक, मैंने पैराग्राफ नहीं, मैं H1 हेडिंग ही मैं बना देती हूँ, हेडिंग नहीं पैराग्राफ बेटर है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैंने लिखा हाय, फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ क्लोज कर दिया, बट मैं BR टैग का यूज़ यहाँ पे कर दी। यहाँ पे मैंने हाय BR टैग का यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया आंचल, ANCHAL आंचल। अब मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है, मैं पहले इसको सेव कर लेती हूँ, इस फाइल को किस नाम से सेव करूँगी, HTML7.html। अब मैंने इसको सेव किया फाइल, ठीक है, ओके हमारा फाइल सेव। अब हम जाते हैं इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। मैं फाइल में गई, मैं अपने डेस्कटॉप में जाऊंगी, इसके बाद हमारा जावा, फिर HTML के अंदर हमारा फोल्डर है, क्या HTML7 था ना फाइल नेम, HTML7 किया मैंने, चेक करती हूँ। देखो हाय आंचल आया ना, मैंने BR लगाया था इसलिए हमारे यहाँ पे, मैंने यहाँ क्या लगाया था BR मीन्स लाइन ब्रेक, ओके। हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन सा रहेगा, लाइन ब्रेक मीन्स BR टैग, ओके। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, आई। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा, डी वाला, आई, आई मीन्स इटैलिक, इटैलिक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, आई, ओके। हम इसका इटैलिक टैग आपको दिखाते हैं, इटैलिक टैग हम यूज कैसे करते हैं। देखो मेरे को आंचल चाहिए इटैलिक में, तो मैंने क्या कर दिया, आई, मैंने यहीं पे एक आई टैग यूज किया, फिर मैंने यहाँ पे ही एक आई को क्लोज कर दिया, आई को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखो हमारा सिर्फ आंचल इटैलिक में लिख के आएगा, देखो आया ना इटैलिक में, तो इटैलिक के लिए क्या चाहिए रहता है, आई, ओके।
अब नेक्स्ट कौन सा पे जाते हैं, हमारा क्या आंसर दूसरा क्या है हमारा नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट मीन्स हमें वन टू लिस्ट के लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या होता है, नंबर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मीन्स पॉइंट पॉइंट, ऑर्डर में चाहिए मुझे तो हम ओ एल टैग का यूज करेंगे। इसकी भी कोडिंग देखते हैं, ओ एल टैग कैसे यूज करते हैं हम लिस्ट के लिए। मैंने यहाँ पे लिखिया, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ओ एल टैग बनाया, ठीक है। ओ एल टैग लिखा मैंने, ओ एल टैग क्लोज किया, मैंने ओ एल टैग क्लोज किया। फिर इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एल आई। एल आई मैंने लिख दिया हाय, मैंने एल आई क्लोज की। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एल आई, फिर मैंने यहाँ लिख दिया माई एफ एंड माई फ्रेंड। अब मैंने यहाँ पे एल आई क्लोज कर दिया, ओके। अब देखो, अब हमारा एल आई मीन्स क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। अब वन टू लिख के आएगा, देखते रिफ्रेश किया, वन टू आ गया लिस्ट में, वन टू लिख के ना। तो नंबर के लिए, नंबर के लिए कौन सा यूज करते हैं, वन टू मीन्स ओ एल। अगर हम यहाँ पे यू एल टैग यूज करते, देखो मेरा हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, यू ओ एल टैग, ठीक है। बट अगर हमारा आता है इसमें अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एल, हमारा आंसर सही रहेगा यू एल। बट और नंबर, नंबर लिस्ट के लिए ओ एल। अब देखो यू एल टैग का हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारा क्या देता है आउटपुट, यू एल टैग हमारा पॉइंट में देता है। देखो मैंने यहाँ पे यू यू लिखा, अब मैं यहाँ पे भी यू लिख दूंगी यू, ओके। अब मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखो इसका आउटपुट पॉइंट पॉइंट आ गया ना। तो ऑर्डर के लिए, नंबर के लिए ओ एल, अनऑर्डर के लिए यू एल, पॉइंट के लिए यू एल, ओके। अब मैं इसकी कोडिंग आती हूँ फिर से, अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ, ये हमारा हो गया। हाउ कैन मेक अ ईमेल लिंक, अगर मुझे ईमेल का लिंक करना है तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला, ए एच आर या फाइल मेल टू, इन्वर्टेड कॉमा में मेल टू, फिर कॉलम कॉलन, उसके बाद फिर हमारा क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। मेल के लिए हम ये टैग का यूज करते हैं अगर मुझे ईमेल लिंक करानी है। नेक्स्ट आता है हमारा अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, हमारा जो वेब पेज होता है उस पर पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए व्हाट टैग यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, कौन से टैग का यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, इमेज टैग का यूज करते हैं। आई एम जी मीन्स हम इमेज को डिक्लेयर करते हैं। अब हम पहले देखते हैं इमेज टैग कैसे यूज करता है। मैंने यहाँ आई एम जी एस आर सी फाइल ली थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज का पाथ कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, देखो हमारा ये हो रहा है डिस्प्ले कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं पिक्चर पे गई, मान ली ये पिक्चर है, मैं अपने पहले फाइल में जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे स्लैश, कौन सा मुझे डाउनलोड करना है, इमेज नंबर सिक्स, ठीक है, सिक्स स्लैश सिक्स, कौन से फॉर्म में हमारा, जिप जे जे एफ आई एफ के फॉर्म में हमारा ये है। मैंने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल सी, जो हमारा इमेज का नेम होना चाहिए वही मैं यहाँ पे लिखूंगी जो मुझे कॉपी करानी है। फिर मैं क्या करूँगी, नोट पैड पर जाऊँगी, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगी, कंट्रोल भी। अब देखो हमारा पाथ कॉपी हो गया, मैं कंट्रोल एफ करती हूँ, अब देखो ये हमारा इमेज शो होके आ रहा है कि नहीं, मैं रिफ्रेश किया आ गया इमेज शो होके, देखा ना। तो हम इमेज के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, आई एम जी, इसने पूछा ना इमेज के लिए कौन सा टैग डिस्प्ले, इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, आई एम जी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है बी टैग मेक देन इन कोट्स इन क्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड, हमारा जो बी टैग होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। व्हाट इज अदर टैग, लेकिन अदर टैग कौन से होते हैं, बी टैग तो बोल्ड करता ही करता है, लेकिन उसके साथ हमारे अदर टैग कौन से होते हैं जो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर दे, हमारा ऑप्शन नंबर वन सही रहेगा, स्ट्रॉन्ग टैग। हमारे स्ट्रॉन्ग टैग ही ऐसे टैग होते हैं जो हमारे मतलब इसको बोल्ड कर दे। अब हम देखते हैं हमारा बोल्ड हो रहा है कि नहीं, मैंने एक पैराग्राफ दिया, अब मैंने हाय को यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग टैग दे दिया, एस टी आर ओ एन एस टी, मेरा तो टाइप नहीं होता, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग दे दिया और मैंने यहीं पे ही स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर दिया, अब मैंने कंट्रोल एस किया,
अब देखो हमारा ये हाय जो है ना बोल्ड में लिख के आएगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया, हाय बोल्ड में आया ना हाय हमारा। देखो हमारा ये बोल्ड में आया। हमारा स्ट्रॉन्ग टैग कौन सा होता है? मतलब अगर हमको बोल्ड के अलावा अगर मुझे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करना है तो कौन सा टैग का यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग। बट अगर हम यहाँ पे बोल्ड टैग का भी यूज करेंगे तो भी हमारे ये बोल्ड में आएंगे। बोल्ड का भी हम देखते हैं, बी टैग। अगर मैं यहाँ पे बी टैग का भी यूज करूंगी तो भी हमारे, मैंने यहाँ बी टैग का यूज किया। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस। अब देखो तब भी हमारे हाई जो है बी में ही आएंगे, मतलब बोल्ड में ही आएंगे। देखो रिफ्रेश किया, बोल्ड में ही आए ना। तो हम क्या इसमें क्या पूछ रहे हैं, अगर बोल्ड तो होता ही है, बी टैग बोल्ड के लिए होता है, बट उसके अलावा कौन सा टैग होता है? स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, अब नेक्स्ट आता है, दिस टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटल ऑन योर वेब पेज। हम कौन सा टैग यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन के लिए? तुम्हारा ऑप्शन नंबर वन सही होगा, एच आर टैग। एच आर मीन्स हॉरिजेंटल लाइन। ओके, अब इसका भी हम रन करते देखते हैं, एच आर टैग का यूज करने पे क्या हॉरिजेंटल आता है कि नहीं। मैं मुझे इमेज के नीचे ही एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए। मैंने क्या लिख दिया, एच आर। मैंने कंट्रोल एस कर दिया, बस मैं इसमें एच आर ऐसे लिखूंगी। कंट्रोल एस मैंने किया, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, आ गई ना एक लाइन हॉरिजेंटल। देखो ये लाइन आ गई ना। तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन के लिए? एच आर टैग। नेक्स्ट है, अब वेब पेज डिस्प्ले पिक्चर, व्हाट टैग इज डिस्प्ले पिक्चर? हमारा आंसर वही सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा? आई एम जी। IMG हमारा ऑप्शन ठीक हो, सही रहेगा। व्हाट द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा। हमको अगर हाइपरलिंक करना हो तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? AHREF फाइल को यूज करेंगे हम। अब हम इसका हाइपरलिंक आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है। वाईफाई कनेक्ट है? हाँ कनेक्ट है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका, मैं हाइपरलिंक कॉपी कैसे करती हूँ। मैं पहले नोट पैड पर जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे कोड क्या लिखूंगी हाइपरलिंक कॉपी का। इंटर मैंने किया, AHREF इक्वल, इसके अंदर हमारा पाथ जो कॉपी लोकेशन कॉपी रहेगा वो मैं लिखूंगी। किस पे क्लिक होने के बाद? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूं, यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूं तो हमारा क्या होना चाहिए? वेट वेट, ये अगर मैं YouTube पे क्लिक करूँ तो हमारा HREF फाइल ओपन होना चाहिए। ठीक है, हमारा YouTube ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस पे जाऊँगी, पहले अपने क्रोम पे जाऊँगी, YouTube का लोकेशन पाथ कॉपी करूँगी। गूगल क्रोम पे जाऊँगी, वेट वेट, इसका मैं YouTube का पाथ कॉपी करूंगी, उसके बाद वहाँ पे पेस्ट करूंगी तो हमारा YouTube ओपन हो गया। अगर मैंने YouTube पे क्लिक किया, ये क्या हमारा, ये हमारा लोकेशन पार्ट है। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी मैंने किया। ठीक है, अब मैंने क्या करूंगी, मैं अपने नोट पैड पर जाऊँगी और कहाँ मैं पेस्ट करूंगी, यहाँ पेस्ट करूंगी, चार्य फाइल में लोकेशन पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंट्रोल एस करूंगी। अब देखती हूँ इसका हमारा ये क्या कोडिंग है, चार्य फाइल लिंक हो रहा है कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, हमारा यहाँ पे क्या यूट्यूब आ गया ना। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा यूट्यूब ओपन होना चाहिए। मैंने क्लिक किया, देखो हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है ना, youtube.com आ गया हमारा, ये हमारा यूट्यूब ओपन हो रहा है। देखो हमारा यूट्यूब ओपन हो गया ना। तो इस तरह से हम यूट्यूब के पाथ कॉपी कर सकते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? AHREF फाइल वाला। ठीक है, अच्छे से देखो इसको। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अलाइनमेंट एटीट्यूड? अलाइनमेंट एटीट्यूड कौन सा वैलिड नहीं है? नहीं है हमारा। लेफ्ट हमारा अलाइनमेंट एटीट्यूड होता है एंड राइट। अलाइनमेंट हम लेफ्ट में दे सकते हैं, राइट में दे सकते हैं, लेकिन टॉप में नहीं दे सकते हैं। हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? टॉप मीन्स सी, सी ऑप्शन। नॉट वैलिड पूछा इसलिए मैं सी लिखूंगी। अगर वैलिड पूछता लेफ्ट और राइट दोनों हमारे वैलिड होते हैं।